नमस्कार दोस्तों, डीके थ्योरी ऑफ डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं चार पर नए नए प्लान नए नए डिज़ाइन लाते रहता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक छोटा सा प्लान लाया हो जिसका डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले स्क्रीन पर जो देख रहे हैं हमारे ऑफिस का नंबर है, अगर आपको प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी क्या फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल का आइकन है वह भी दबाइए ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वह वीडियो आपसे मिस ना हो। तो देखिए, प्लॉट का साइज़ आज समझ लीजिए 880 स्क्वायर फुट का पूरा प्लॉट का एरिया है, मतलब 880 स्क्वायर फुट का, 880 स्क्वायर फुट का, ठीक है। जिसमें देखेंगे तो देखिए 22 फीट जो है हमारा फ्रंट है, मतलब विड्थ जो है हमारा 22 फीट है और 40 फीट जो है हमारा लेंथ है, ठीक है। 22 फीट बाय 40 फीट मतलब 880 स्क्वायर फुट का पूरा प्लॉट का एरिया है। जिसमें देखेंगे तो देखिए ये जो है इस साइड में हमारा रोड है और बाकी के जो तीनों साइड है तीनों साइड में दूसरों की प्लॉट है, मतलब दूसरों की प्रॉपर्टी है। तो हमने हमारा वेंटिलेशन जो है हमारे रूम के लिए वेंटिलेशन जो एडजस्टमेंट किया है वो हमारे प्लॉट में ही किया है। और एक ही रोड है, रोड से हम जैसे ही एंट्री करेंगे तो यहाँ पे एक मेन गेट रहेगा हमारा छोटा सा, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और इस वरांडे पर पहुँच जाएंगे। इस वरांडे से हम एक तो लिविंग रूम में एंट्री कर सकते हैं या तो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हैं, मतलब ये वरांडा जो है यहाँ तक कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ तक। और यहाँ से हम हमारी स्टेप स्टार्ट होती है, स्टेयर स्टार्ट होती है हमारी सीढ़ी, यहाँ से यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं, मतलब इस स्लैब पर पहुँच जाएंगे। तो देखिए ये स्टेयर केस जो है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। इसके नीचे जो है स्टेयर केस के नीचे हम बाइक वगैरह हम आराम से पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बाइक पार्क करनी है तो यहाँ पे एक उसके लिए एक स्पेशली एक चैनल गेट बताया गया है, ये चैनल गेट ओपन करके यहाँ पर हम बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। तो दो बाइक यहाँ पर आराम से पार्क हो सकती है। और ये स्टेयर केस जो है काफ़ी यूज़फुल रहेगी अगर ऊपर का फ्लोर जो है आपको रेंट के हिसाब से देना है या दूसरी फैमिली को यूज़ करना है तो इस स्टेयर की जो है काफ़ी यूज़फुल रहेगी क्योंकि उनका आना जाना जो है बाहर से रहेगा, हमारे नीचे वाली फैमिली को कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। और बाद में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा वरांडा है, वरांडे से हम लिविंग रूम में एंट्री करेंगे। 11 फीट बाय 9 फीट का इस लिविंग रूम का साइज़ है, काफ़ी बढ़िया साइज़ मिल रहा है हमें। एक विंडो यहाँ पर लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक छोटा सा विंडो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, तो लिविंग रूम में काफ़ी बढ़िया वेंटिलेशन मिल सकता है। और बाद में हम एंट्री करते हैं किचन कम डाइनिंग में। देखिए किचन वोटा जो है यहाँ पे बताया गया है और डाइनिंग जो है यहाँ पे बताया गया है। इसका साइज़ जो है लगभग 10 फीट बाय 11 फीट 2 इंच का है, मतलब 10 फीट बाय 11 फीट 2 इंच का। और इसमें देखेंगे तो बाद में देखेंगे तो देखिए एक बड़ा सा विंडो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे स्टेयर केस की तरफ, क्योंकि यहाँ से हमें वेंटिलेशन मिल जाएगा। और एक विंडो जो है यहाँ पर भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वॉश एरिया है वॉश एरिया के लिए हमने ओपन डक्ट रखा है, मतलब ओपन टू स्काई रखा है, तो यहाँ से भी हम इस किचन को विंडो रख सकते हैं, वर्टिकल विंडो, ठीक है। और बाद में ये ओपन पैसेज में पहुंच रहे हैं, देखिए ये जो ओपन पैसेज है ये पूरा मूविंग एरिया हम इसे कह सकते हैं क्योंकि इस बेडरूम वाले ये जो बेडरूम वाले है और टॉयलेट बाथरूम की तरफ जाना है और किचन डाइनिंग का भी जो भी है आना जाना उनका जो है इस एरिया से हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये ओपन एरिया रहेगा। और यहाँ पर एक वॉश एरिया दिया गया है, देखिए वॉश एरिया है तो इससे यहाँ पर हम स्लैब नहीं डालते हैं, मतलब ये ओपन टू स्काई रखेंगे, यहाँ पे हम छत नहीं डालेंगे, तो इससे इस किचन को वेंटिलेशन मिल जाएगा और इस साथ साथ बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा और यहाँ का जो ओपन एरिया है यहाँ पे भी वेंटिलेशन मिल जाएगा। और बाद में देखेंगे तो देखिए टॉयलेट बाथरूम है, यहाँ पे बाथरूम दिया गया है 7 फीट बाय 4 फीट का और टॉयलेट दिया गया है 3 फीट बाय 4 फीट का। और देखिए इन दोनों को वेंटिलेशन के लिए पीछे की साइड में एक जगह रखी है, ओपन डक्ट रखा है, मतलब ओपन टू स्काई रखा है, तो इस टॉयलेट को और इस बाथरूम को यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। बाद में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा बेडरूम है 10 फीट बाय 10 फीट का, मतलब 10 फीट बाय 10 फीट का, और एक विंडो यहाँ पे दिया गया है और एक विंडो जो है यहाँ पे दिया गया है। ये जो विंडो है यहाँ पे दिया गया है क्योंकि यहाँ पे ओपन डक्ट रखा है और ये जो विंडो यहाँ पे दिया गया है क्योंकि यहाँ पे भी ओपन डक्ट रखा है, देखिए यहाँ पे भी हम स्लैब नहीं डालेंगे, इससे इस बेडरूम को और ये जो बेडरूम है इस बेडरूम को दोनों को वेंटिलेशन मिल जाएगा। लास्ट में देखेंगे तो देखिए हमारी एक बेडरूम है, इस बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है, लगभग 10 फीट 4 इंच बाय 10 फीट 1 इंच का, मतलब 10 फीट 4 इंच बाय 10 फीट 1 इंच का इस बेडरूम का साइज़ है, काफ़ी बढ़िया साइज़ है। और इसको एक पीछे की साइड में एक डोर बताया गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो बालकनी छोड़ी है यहाँ पे जो ओपन एरिया छोड़ा है यह जो है यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है बालकनी है, मतलब यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे हम बिल्कुल यह यूज़ कर सकते हैं ये जगह, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो है हम स्लैब नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि इस साइड में हमारी जगह नहीं है और जो है इस साइड में भी हमारी जगह नहीं है, तो यहाँ से हमें वेंटिलेशन ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम स्लैब नहीं डालेंगे, इससे इस बेडरूम को और ये जो बेडरूम है दोनों बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा। तो इस टाइप में 22 फीट बाय 40 मतलब 880 स्क्वायर फुट का पूरा प्लॉट का एरिया था, जिसमें देखेंगे तो दो बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक किचन, एक डाइनिंग का पैसेज, ओपन पैसेज रखा, ओपन पैसेज भी है, स्टेयरकेस भी बाहर से है, बाइक की पार्किंग भी है
इतना सारा 22 बाय 40 में, मतलब 880 स्क्वायर फुट में हमने एडजस्टमेंट करने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ कि यह प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में आया है और पसंद भी आया है। तो इसी प्रकार के लगभग हज़ारों प्लान्स और डिजाइन हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हैं और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और डिजाइन हम चैनल पर लाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।